वेलकम टू बीके ऑनलाइन क्लासेस। आज हम सीखेंगे बिटवीन नंबर। इसके पहले हमने आफ्टर नंबर एंड बिफोर नंबर सीखे थे। आज हम सीखेंगे बिटवीन नंबर। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है, कैटरपिलर ड्रॉ किया है। आपको यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, रीड करके बताओ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, 3 to 10 तक मैंने नंबर ड्रॉ किए यहाँ पे। बिटवीन नंबर सीखेंगे। बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच का नंबर, मीन्स मिडल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 5 दिया है, 5, 6 and 7। सो यहाँ पे मिडल नंबर हमें चाहिए, बिटवीन नंबर चाहिए। तो बिटवीन नंबर कौन सा आएगा? 6 आएगा, दोनों के बीच का नंबर 6 नंबर। जैसे यहाँ पे 3 है एंड यहाँ पे 5 है, 3 and 5। सो 3 and 5 का बिटवीन नंबर कौन सा है? कौन सा है बिटवीन नंबर? 4। जैसे फिर से 6 है यहाँ पे एंड यहाँ पे 8 है, 6 and 8 का बिटवीन नंबर कौन सा आएगा? 7। जैसे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है एंड 10 है। 8 and 10 का हमें बिटवीन नंबर चाहिए, 8 and 10 का। सो क्या आएगा? 9। वेरी गुड। फिर से देखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने 11 है, 12 and 13, इन दोनों का बिटवीन नंबर हमें चाहिए। तो बिटवीन नंबर यहाँ पे क्या आएगा? 12। जैसे यहाँ पे मैंने 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हमें बिटवीन नंबर चाहिए एंड यहाँ पे 3 है। सो 1, 2 and 3 बिटवीन नंबर। जैसे यहाँ पे मैंने 0 लिया, देन यहाँ पे बिटवीन चाहिए, देन 2। सो 0 and 2 के बीच का बिटवीन नंबर हमें चाहिए, मीन्स मिडल नंबर चाहिए। सो 0, 1, देन 2, बिटवीन नंबर मीन्स मिडल नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 4 है एंड देन यहाँ पे 6 है, तो दोनों के बीच का हमें बिटवीन नंबर चाहिए, 4 and 6 के बीच का बिटवीन नंबर। सो क्या आएगा? 5। वेरी गुड। तो चलिए कुछ बिटवीन के सम भी करके देखते हैं। यहाँ पे हमने आफ्टर एंड बिफोर नंबर में जैसे लाइन ड्रॉ करके हम सीखे थे, वैसे ही देखेंगे एक बार। यहाँ पे मैंने 2 टाइप में लाइन ड्रॉ किए, एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जिसमें 0 to 20 नंबर है एंड देन यहाँ पे भी सेम वैसी है, बट उसमें भी 0 to 20 नंबर्स मैंने किए। तो चलिए बिटवीन नंबर देखते हैं। बिटवीन मीन्स मिडल नंबर। सो यहाँ पे मैंने दिया है 7 एंड यहाँ पे 9 है। सो 7 and 9 के बीच का हमें नंबर चाहिए, बिटवीन नंबर चाहिए, मिडल नंबर चाहिए। सो यहाँ पे हम देखेंगे 7 नंबर कहाँ पे दिख रहा है आपको, कहाँ पे दिख रहा है? गुड, यहाँ पे 7 नंबर है। एंड देन 9 नंबर कहाँ पे दिख रहा है? वेरी गुड, यहाँ पे। सो हमें ये दोनों के बीच का नंबर चाहिए। सो क्या आएगा आंसर? 8। वेरी गुड। देन अगेन यहाँ पे 13 है एंड यहाँ पे 15 है, बीच में का चाहिए, मिडल नंबर चाहिए, बिटवीन नंबर। 13 and 15 का बिटवीन नंबर चाहिए। सो हम यहाँ पे देखेंगे, ये लाइन में आ जाएंगे, 13 नंबर कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे एंड देन 15 नंबर यहाँ पे। तो दोनों का बीच का नंबर कौन सा आएगा? 14। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 14। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स में कुछ बिटवीन नंबर्स दिए जो आपको यहाँ पे, आप करके बताओ ये सारे सब। यहाँ पे मैंने क्या ड्रॉ किया है? हाउस। वेरी गुड। यहाँ पे कौन सा नंबर है? 8 एंड यहाँ पे 10। सो मुझे 8 and 10 का बिटवीन नंबर हमें चाहिए। तो बिटवीन नंबर यहाँ से फाइंड करो आप। हाँ, एंड 10, तो क्या मिला बिटवीन नंबर? 9। सो राइट डाउन। गुड, यहाँ पे कौन सा नंबर है? 1 एंड यहाँ पे 3। सो 1 and 3 का बिटवीन नंबर क्या आएगा? 2। गुड, यहाँ पे कौन सा नंबर है? 5। 7। 5 and 7 का बिटवीन नंबर हमें चाहिए। सो क्या आएगा? 6। यहाँ पे 12। 14। 12 and 14 का बिटवीन नंबर क्या आएगा?
13. यहाँ पे भी मैंने कुछ पिक्चर्स ड्रॉ किए, क्या दिख रहा है आपको ये? वैन. एंड यहाँ पे चेरीज. वेरी गुड. वैन में मैंने तीन बॉक्सेस ड्रॉ, यहाँ पे 6 है एंड यहाँ पे 8 है. दो नंबर है, 6 एंड 8 का बिटवीन नंबर हमें चाहिए. सो आप कैसे करोगे? 6 एंड 8 का बिटवीन चाहिए तो 6 7 8 7. ओके. एंड यहाँ पे 3 एंड 5 का बिटवीन नंबर 3 4 5. गुड. यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 13. दोनों का बिटवीन, दोनों के बीच का बिटवीन नंबर चाहिए. 11 12 13. सो क्या आया? 12. यहाँ पे क्या है? 9. एंड यहाँ पे 11. सो बिटवीन नंबर चाहिए, मिडल नंबर चाहिए. 9 10 11 10. गुड. अभी यहाँ पे आएंगे, ये क्या देख रहे हैं? चेरीज है. चेरीज के बीच में मैंने यहाँ पे दो नंबर है, यहाँ पे बीच में क्या खाली जगह है. सो हमें यहाँ पे ये जगह फिल करनी है. मीन्स क्या करना है, हमें बिटवीन चाहिए, इसका मिडल नंबर चाहिए. सो यहाँ पे क्या है? 16. एंड यहाँ पे 18. 16 एंड 18 का बिटवीन नंबर क्या आएगा? 16 17 18 17. गुड. यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 6. बिटवीन नंबर हमें चाहिए क्या आएगा? 4 5 6. सो क्या आया? 5. वेरी गुड. देन यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे क्या आएगा? 1. कैसे 1 आया? 0 1 2. गुड. यहाँ पे 10 देन यहाँ पे 12. सो दोनों के बीच का बिटवीन नंबर हमें चाहिए, सो क्या आएगा? 10 11 12. वेरी गुड. 11. तो आई होप आप सबको बिटवीन नंबर समझ में आ गए होंगे. आप भी अपने बच्चों को इस तरह पिक्चराइज करके दीजिए, पिक्चर ड्रॉ करके दीजिए, ताकि उन्हें करने में इंटरेस्ट आए एंड वो फन लेके इसे कर पाए.